आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। नगर में ठप पड़े विकास कार्यों और स्मार्ट सिटी के पैसों की हो रही बंदरबांट और दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों की स्थिति काफी खराब है और काम नहीं होने से जनता परेशान। उन्होंने कहा, 3.5 वर्ष हो चुके हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। बिलासपुर नगर निगम की नगर सत्ता, कांग्रेस के नेता 2.5 वर्ष से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन आज देखें विकास प्रदेश में तो ठप पड़ा ही है। नगर में भी सभी वार्डों में अनेक समस्याओं से आम नागरिक जूझ रहे हैं, जिसमें बजबजाती नालियां, गंदगी का आलम, मच्छरों का प्रकोप, पीने का जल उपलब्ध ना हो पाना, जल निकासी की समस्या, अनेक वार्डों में पानी की समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हैं। वहीं अघोषित बिजली कटौती से लोग त्रस्त हैं। ज्ञापन दिया है निगम प्रशासन को, एक कलेक्टर को। निगम में जो निगम के पास पैसा है, जिसमें पैसा नहीं लगना, रख रखाव करना है, एक तो विषय वो था। दूसरा, जो विकास के काम के लिए पैसा चाहिए। सिटी बस आज बंद पड़ी है, जिसमें पैसा नहीं लग रहा। सारे गरीबों के आवास के लिए हमने 400 करोड़ की योजना स्वीकृत करा रखी, पैसा उसका काम चालू नहीं कर रहा। इसके साथ ही जो सारे वार्डों के सड़क, बिजली, पानी है, खासकर प्लेटोरियम चालू हो गया, उद्घाटन हो गया, बंद पड़ा है, उसका टेंडर कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं? नॉन टेक्निकल आदमी। यहाँ जो ऑडिटोरियम है उसको गोडाउन बना दिया। क्यों बना दिया? सारी जमीन बेच रहे निगम की और सारी अव्यवस्था है। तो इसलिए हमने आज उनसे शांतिपूर्वक आग्रह किया है कि आप ये अपनी कार्य पद्धति को सुधार लें। कलेक्टर के जो विषय हैं, पहला विषय है कि स्मार्ट सिटी, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर है, उस स्मार्ट सिटी में 4000 करोड़ का प्रस्ताव है, 100 करोड़ रुपया खर्चा नहीं कर पाए और उसके मत परिवर्तन करके अब व्यय किया जा रहा है। तो वो बंद होना चाहिए और स्मार्ट सिटी के काम चालू होना चाहिए। प्रगति मैदान में ऑडिटोरियम 8 साल से पड़ा है, डीएमएफ का पैसा इधर उधर लगा रहे हैं। या तो शासन से पैसा लो या डीएमएफ से पैसा लो। स्टेट ट्रेनिंग सेंटर 160 करोड़ का, 28 गेम की ट्रेनिंग होना है पूरे राज्य की, 2 साल से बंद के पड़ा है, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, आज जर्जर हो रहा है। इसके अलावा बिजली कटौती, ये सारे विषय। अब स्विमिंग पूल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, शासकीय जमीन कांग्रेसी लोग खुद अपने नाम में कर रहे हैं, वहां पर महिलाएं आती हैं। तो ये जिस प्रकार से अदूरदृष्टता से शहर चला रहे हैं और शहर में जो कमियां हैं उसको लेकर हमने अपनी भावना को व्यक्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं को समझेंगे। अगर जनता की भावना उद्वेलित हो गई तो उसकी जवाबदारी इन सबकी है। नगर निगम की जिम्मेदारी नगर निगम के महापौर होने के नाते मेरा है और स्मार्ट सिटी का एमडी अलग होता है। स्मार्ट सिटी एक अलग एजेंसी है और जो भी कार्य का संचालन होता है वो सचिव के द्वारा और एमडी के द्वारा होता है, इस बात को जानने की जरूरत है। माननीय पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी और हमारे सभी सम्माननीय पार्षद दल विपक्ष के नेता अशोक विधानी जी और हमारे वरिष्ठ सभी पार्षद साथी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज एक विज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में शहर से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का जिक्र है, जिसमें प्लेटोरियम है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें पानी की समस्या है, जिसमें लकीराम ऑडिटोरियम है, जिसमें स्मार्ट सिटी के द्वारा चलाया गए बहुत सारे कार्य जो शुरू नहीं हुआ, ऐसा उनका आरोप है। सिटी बस है, जो जो चीज़ें नगर निगम के द्वारा संचालित हैं, जो जो चीज़ें नगर निगम के द्वारा किया जा सकता है उन सभी कार्यों को करने का प्रयास करूँगा। और जो राज्य शासन स्तर का होगा, राज्य शासन को इसकी जानकारी अक्षर से भेजने का काम मेरा है, क्योंकि मैं नगर निगम का महापौर हूँ, मेरा दायित्व तो है। तो आज का जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उन सभी चीज़ों की जानकारी माननीय स्थानीय निकाय के मंत्री जी को और अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं भेजूंगा और बातचीत भी करूंगा, ताकि आने वाले समय में जो शिकायतें हैं वो हमारे शासन स्तर पर, स्मार्ट सिटी स्तर पर और नगर निगम स्तर पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई हो जाए
ताकि आने वाले समय में शहर के जनता को किसी प्रकार का दिक्कत मेन वार्डों में जो पानी की अभी बहुत समस्या है। हाँ, पानी का समस्या है इसलिए क्योंकि लगातार गर्मी के दिन होने के कारण वाटर लेवल डाउन हो रहा है। नगर निगम में अधिकांश जगह भूतल से पानी लेने का काम, कई जगह मोटर खराब है। या तो प्रश्न कर लो या जवाब कर लो। तो भूतल जो हम पानी लेते हैं उसकी वाटर लेवल डाउन हो रहा है। बिलासपुर शहर में लगभग 1100 मोटर पंप है जिसके द्वारा हम सभी जगह पानी की सप्लाई करते हैं, और टंकी में हम भूजल को लेकर के ऊपर में टंकी में डालने का काम करते हैं। गर्मी के दिन में वाटर लेवल नीचे जाने के कारण बहुत सारे जो पंप है हम चला देते हैं और छोड़ देते हैं, पता तो हमको नहीं रहता नीचे कितना पानी। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।